समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चित्रकूट पहुंचे हैं और कामतगिरी के दर्शन करने गए हैं। अच्छा है, उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये तो वही बात हुई ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिस प्रकार से जिस पार्टी की विरासत राम भक्तों की हत्या कराने की हो, जो पार्टी सदैव राम मंदिर के विरोध में रही हो, राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से हल आने के बाद जिस प्रकार जिस पार्टी के सांसद ने उसको ध्वस्त करने की बात कही हो, आज वह लोग जो सरकार में रहते हुए जो रोजा अफ्तार कराते थे, सरकार में रहते हुए टोपी पहनकर लोगों को टोपी पहनाते थे, ऐसे लोग जिन्होंने सदैव हिंदू भावनाओं का अपमान किया, जिनके समय पर एक समय पर जब कांवरियों की यात्रा निकलती थी उसके ऊपर हमले होते थे, जिनके समय पर खुद जब उनकी पत्नी सांसद थी कन्नौज में तो दुर्गा विसर्जन यात्रा के ऊपर हमले करके श्रद्धालुओं की हत्या करके और जिस प्रकार से निर्दोषों को जेल भेजने का काम किया था, आज वह जिस प्रकार से इस देश में हिंदुओं के संगठित होते हिंदुओं को देखकर यह मंदिर जाकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का कुचक्र रचने के सिवाय ये कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मैं इस देश के हिंदुओं को बधाई देता हूं कि आज वो समय आ गया कि जब लोग दरगाह नहीं जाते हैं, आज वो समय आ गया है कि लोग मस्जिद नहीं जाते हैं, लोग रोजा अफ्तार नहीं कराते।